हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा व्लॉग। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है कि जैसे आपने थंबनेल में देखा है, मैं अपने एलोए रिवील कर दूंगा आज की वीडियो में। जैसे कि थंबनेल में रिवील तो हो ही चुका है, इंस्टाग्राम पे भी कई बार मैं डाल चुका हूँ उसकी पिक। जिस भाई ने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रखा है उनको पता लग गया होगा कि मैंने एलोए लगाया, कौन से लगाया, और बेसिकली मैंने सेकंड हैंड एलोए लगाया है। वो पिछली वीडियोज़ में पता लग गया होगा कहाँ से लाया था मैं। अगर नहीं पता लगा तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर देख लेना। तो इसके बारे में बताता हूँ, मेरे को एलोए कैसे पड़े, कितने के पड़े, और क्या मतलब इसकी क्वालिटी कैसी है, और अगर मैंने मायापुरी से क्यों नहीं लिए, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले एक बार एलोए चेकआउट करो गाड़ी में, लग कैसे रहे, एक बार वॉक अराउंड देता हूँ आपको एलोए के। हाँ तो गाइज, ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है, काफ़ी लेट आ रही है, मुझे पता है, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था तो मेरे को इसमें काम वाम भी कराने हैं अभी, अलाइनमेंट वगैरह भी कराना है अभी, तो उसके भी अभी रह रहा है, अलाइनमेंट वगैरह भी रह रहा है, तो अलाइनमेंट भी कराना है। अभी जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो उसमें बहुत सारा काम है, वो भी कराएंगे, वो भी दिखाऊंगा आपको वीडियोज़ में। तो इस पर तो वीडियोज़ आती ही रहेगी। मैं ये कह रहा था कि मेरे को ये एलोए कितने के पड़े, तो मैं आपको ये बता देता हूँ एलोए कितने के पड़े मेरे को। पहले मैं इसको अपने ना वहाँ पार्किंग करता हूँ, फिर गाड़ी बैठ के फिर तो गाइज, आप सबके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि मैंने एलोए व्हील कहाँ से लिए और कितने के पड़े और मायापुरी से क्यों नहीं लिए, ठीक है, दिमाग में आपके सब क्वेश्चन होगा। तो मैंने कहाँ से लिए पहले बता देता हूँ। मैंने ये लिए थे ओएलएक्स से, सर्च करके सेकंड हैंड लिए हैं एलोए, और चेक करके बढ़िया तरीके से मैंने लिए थे एलोए। एलोए में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई गड़बड़ी नहीं थी। और मैंने मायापुरी से क्यों नहीं लिए ये बताता हूँ। मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। जब हमारे पे एक वैगनर हुआ करती थी, मेरे दोस्त की वैगनर थी, हम कॉलेज वॉलेज जाते थे उससे कभी कभार, तो हमारे दोस्त की वैगनर थी, तो उसने ली थी सेकंड हैंड 60-70 हज़ार रुपये की। उस टाइम पे ली थी 2007 या 2008 मॉडल था, अब तो खैर नहीं है। तो हम सबको एक मतलब था कि यार गाड़ी को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, एलोए व्हील वगैरह लगाते हैं इसमें। तो 13 इंच के एलोए लेके आए थे हम मायापुरी से, तो मायापुरी से 13 इंच के लेके आए थे 6,500 रुपये के उस टाइम पर, अपने रिम दे के, ठीक है, 6,000-6,500 के ऐसे कुछ लेके आए थे, याद नहीं है कुछ, ठीक है, तो रिम दे के। तो भाई हम एलोए व्हील ले आए, हमने लगवा लिए, एक हफ्ता बढ़िया चले, मस्त चले, ठीक है। उसके बाद ना उस एलोए व्हील से मतलब उस जिसमें टायर लगे थे वो, उसमें कभी हवा टिकती ही नहीं थी, हर रोज़ हवा निकल जाती, और ट्यूबलेस टायर था, हर रोज़ हवा निकल जाती। हम परेशान, पंचर वंचर तो नहीं था, हमने हर जगह चेक करवा लिया, पंचर वंचर नहीं था। तो हम गए अलाइनमेंट वाले पे व्हील बैलेंसिंग करवाने में, उसमें कुछ दिक्कत होगी, बैंड वैंड हो रखे होंगे कहीं से, दिखवा देते हैं बड़ी। तो गए हम वहाँ पर, तो भाई हम वहाँ गए तो उस भाई ने कहा कि भाई ये एलोए रिपेयर है, ये पहले बैंड हो चुके हैं, रिपेयर है, यहाँ से हवा तुम्हारी लीक होती है हर बार। तो हमने भी मतलब कई जगह चेक करवाया था, तो हवा वहीं से लीक हो रही थी, तो इसलिए हम गए थे बैलेंसिंग करवाने, तो कुछ सही हो जाए। लेकिन वो मतलब रिपेयर थे, उसको रिपेयर करके हमें दे रहे थे, और उस टाइम पर हमें पता नहीं था कि रिपेयर मतलब कैसे चेक करते हैं, क्या नहीं करते, तो हमें पता नहीं था। तो इसलिए मैंने मायापुरी से नहीं लिया, क्योंकि ज़्यादातर एलोए व्हील सेकेंड हैंड लेते हैं तो रिपेयर ही मिलते हैं, ये सच्चाई है वहाँ की। क्योंकि अगर आप पहली बार जाओगे ना, अगर आपको एलोए व्हील के बारे में नहीं पता, तो आपको रिपेयर ही देंगे। एक बार और भी हुआ था हमारे साथ, हम ना उसी के टायर लेने गए थे, तो टायर लेने गए थे, टायर हमें गुट्टी कटिंग देते हैं, हमें गुट्टी कटिंग पता ही नहीं होता क्या होता है गुट्टी कटिंग टायर, कई भाइयों को भी नहीं पता वो गुट्टी कटिंग टायर क्या होता है। टायर के ऊपर परत चढ़ाई होती है रबड़ की, तो वो होता है गुट्टी कटिंग टायर। तो वो टायर हमें दिए गए थे 700 रुपये के दिए थे हमें, बिल्कुल ऐसा लग रहा था बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है, तो वो टायर भी नहीं चला। अभी मैं आप ना आई बटन में ना यहाँ लिंक आ रहा हुआ, आई बटन में आ रहा हुआ एक वीडियो है बीट की, उसमें देखना टायर की ना कैसी हालत हो रही है, वो भी गुट्टी कटिंग टायर है,
तो वो मायापुरी से बेसिकली नहीं लाए थे, वो भी सेकंड हैंड गाड़ी जब हम ले ली थी तो उसमें वो टायर थे। तो ऐसे ही गुट्टी कटिंग टायर की आदत हो जाती है, एक्सीडेंट बहुत गंदा हो सकता है उससे, और नुकसान तो खैर हुआ ही था हमारे बीट में। तो वो भी आप चेकआउट कर लो एक बार, यार आई बटन में लिंक आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं इस वीडियो का। तो गाइज ये बेसिकली ये रीज़न था कि मैंने मायापुरी से एलॉय क्यों ले लिए। और बात करते हैं मैंने कितने के लिए, कितने के पड़े मुझे एलॉय, तो भाई ये एलॉय मुझे पड़े 4500 रुपये के। सस्ते पड़ रहे थे, अच्छे एलॉय थे, बस यही है कि थोड़ा सा पेंट वेंट करवाना है। अभी जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो पेंट का भी काम है, अंदर जो ब्रेक शू होते हैं उसमें भी पेंट रेड कलर का, और ड्रम ब्रेक में जो पीछे होते हैं उसका भी मेरे को पेंट करवाना है। तो उसका भी मैंने कुछ सोच रखा है बढ़िया सा, और वो भी करवाना है, वो उसकी भी वीडियोज़ आएगी। और अभी अलाइनमेंट वगैरह, मेन तो ये है अलाइनमेंट वगैरह भी रह रहा है, जैसे लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही सब काम करवाने हैं मेरे को। तो बने रहो इस वीडियो पे, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे, तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों से शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो करना ही है यार, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करके जरूर जाना, साइड में बेल आइकन होगा उसे भी दबा देना, ऑल दबाना, जिससे मेरी वीडियो आएगी ना तो आपको पता लग जाएगी कि हाँ मेरी वीडियो आई है यूट्यूब पे, ठीक है। शेयर करना आपकी मर्ज़ी है, शेयर करना, ठीक है। चलो टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड चंद्रा व्लॉग्स।